हेलो दोस्तों दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर कई दोस्तों ने कमेंट करके कहा है कि YouTube वीडियो के साथ में थंबनेल यानी फ्रंट पेज जो होता है वो कैसे लगाया जाए और YouTube वीडियो के साथ में अपना चैनल ट्रेलर कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दें कि YouTube चैनल के लिए जो थंबनेल और ट्रेलर होती है वो पहले से ही रेडी यानी बनाकर रखे जाते हैं और उसके बाद एडिटिंग के टाइम पर ट्रेलर को जोड़ा जाता है वीडियो के साथ में, और जो थंबनेल होता है वो अपलोडिंग के टाइम पर फिर उसके बाद ऐड किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम पहले दोनों को ऐड करके यानी तैयार करके रख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने दोनों चीज़ों को तैयार करके रखा है और साथ में ये भी बताएंगे कि दोनों को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से जोड़ा जाता है, यानी ट्रेलर को वीडियो को साथ में किस तरह से लगाया जाता है और अपलोडिंग के टाइम पर किस तरह से थंबनेल को वीडियो के साथ में यानी अपलोड किया जाता है वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों ये देखिए, हमने ये दोनों चीजों को पहले तैयार करके रख रखा है। ये देखिए, ये मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसके लिए मैंने ये, जैसे कि मान लीजिए आपने ये ट्रेलर बनाया है, आप कोई भी नाम का ट्रेलर बना सकते हैं, ये भी हम बताएं किस तरह से बनाना है। और ये इस वीडियो के लिए मैंने थंबनेल रेडी कर लिया है जो कि मुझे वीडियो के ऊपर लगाना है। दोस्तों आप चाहें तो काइने मास्टर ऐप में भी अपना मनचाहा ट्रेलर बना सकते हैं और हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स को देखकर आप ट्रेलर बनाना सीख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही जल्दी ट्रेलर बनाने वाली एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं लीजेंड नाम से। तो दोस्तों ये लीजेंड ट्रेलर नाम से जो एप्लीकेशन है ये आपको पहले ही मोबाइल में इंस्टॉल करना होगी, और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का शो होगा। इस पर आप जो भी अपने चैनल का नाम या फिर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर वेलकम टू माय चैनल लिख लेता हूँ। आप चाहें तो अपना नाम लिख लीजिए या चैनल का नाम लिख लीजिए, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद जैसे ही इसे ओके करते हैं या प्ले करते हैं तो ये देखिए इस तरह का शो होगा। यहाँ पर दो आपको रो शो होंगी, एक फॉन्ट स्टाइल और नीचे बैकग्राउंड, और इन दोनों में ही अलग अलग स्टाइल दे रखी हैं। आप दोनों को एक एक करके टच करेंगे तो आपको दोनों में ही एक से एक डिजाइन मिल जाएंगी। ये देखिए, जैसे कि हमें ये अच्छा लग रहा है, और जैसे ही हम इसे डाउनलोड के ऑप्शन पर टच करते हैं तो ये जो लैंडस्केप का निशान है इसको टच कर लेते हैं और अच्छी क्वालिटी के लिए 1080 पर टच कर लेते हैं। तो ये देखिए वीडियो को साइज जो होता है तो उसके साइज में जी आ गई है, और नीचे का फिर दोबारा एरो पर टच करके सेव वीडियो पर टच करते हैं तो हमारा वीडियो सेव होना शुरू हो जाता है, यानी ट्रेलर हमारा इस तरह से बना सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, काफ़ी आसानी से हम इस तरह से बना सकते हैं। और अब बनाते हैं हम वीडियो पर अपलोड करने के लिए थंबनेल जो कि फ्रंट पेज होता है। इसके लिए दोस्तों हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन का यूज किया है जो कि मैं एंड्रॉयड में काफ़ी दिनों से YouTube वीडियो के लिए यही यूज करता हूं, और एक और है पिक्सल लैब नाम से, वो भी मैं काफ़ी यूज करता हूं। तो दोस्तों इन दोनों में से आप कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए, और पिक्सल लैब का मैंने पहले ही बहुत पहले एक ट्यूटोरियल दे दिया है जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पर पिक्सल प्रो पर आपको यूज करके बताऊँगा, इस पर थंबनेल बनाकर बताऊँगा। इसके लिए जैसे ही ओपन करते हैं तो ये देखिए थ्री डॉट्स पर टच करने के बाद यहाँ पर आप अपनी YouTube की जो स्क्रीन होती है उसको एडजस्ट कर लीजिए 1280x720। यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन होती है ये लिखकर, और नीचे जो कलर हैं आप जो भी बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं, जिस कलर पर अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं वो यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए और सेट बैकग्राउंड कलर जैसे टच करेंगे, या फिर आप कोई भी इमेज ले सकते हैं जो कि बैकग्राउंड में दिख रहा है। ये नीचे जो लिख रहा है गेट ए पिक्चर नाम से, हम यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं फिलहाल। और आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रहा है एडजस्ट के, आप जैसे इस पर टच करेंगे आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन शो होंगे, आप इनका यूज भी अपने हिसाब से बाद में करके देख लीजिए। और जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ से, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से ये पेंसिल यानी पेन साइज ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, जो भी आपको अगर लिखना है हैंड राइटिंग में तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से पेन साइज ले सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर, यहाँ से आप कोई भी यानी इमेज के ऊपर अगर इमेज लगाना हो तो इसको टच करने के बाद आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे काफी इमेज के ऑप्शन शो हो जाते हैं यहाँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एक
देखते जाइए कि अब मैं यहाँ पर एक थंबनेल किस तरह से बनाऊंगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर जो विग्नेट का ऑप्शन है इसको टच करूंगा, और यहाँ पर ये शेडो टाइप का जो फैड दिख रहा है इसको मैं शेडो दे देता हूँ और ओके कर देते हैं। दोस्तों ध्यान से देखते जाइए मैं किस तरह से एक थंबनेल बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी से बताऊंगा। अब मैं दोबारा इसको उस थंबनेल को मतलब एक बार सेव कर लिया है हमने पेज को, और अब दोबारा ये जो सेव किया है इसको टच करेंगे और दोबारा ले लेते हैं। यहाँ से आप इसे साइज रिसाइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये देखिए पिक्चर के ऊपर हमने दोबारा ये पिक्चर सेव की थी, ये दोबारा हमने ले ली है। यहाँ पर मैं एक थोड़ा 3D स्टाइल में हल्का सा देना चाहूँगा, इसलिए मैं पिक्चर के ऊपर वही पिक्चर ले रहा हूँ। ये देखिए हमने इतना साइज ले लिया है और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए बैकग्राउंड में जो फर्स्ट पिक्चर है और जो ऊपर लगाई है वो सेकंड पिक्चर है। और अब यहाँ पर हम एक लोगो लेते हैं यूट्यूब का। आपके लिए कोई भी लोगो अगर लगाना है किसी भी इमेज पर तो आपको पहले से डाउनलोड करके रखना होंगे। मैंने यहाँ पर कुछ लोगो PNG जो इमेज है उनको डाउनलोड करके रख रखा है। यहाँ पर मैं यूट्यूब का जो लोगो है वो ले लेता हूँ। और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर यूट्यूब लिखूँगा। यहाँ से आप फर्स्ट जो है जो मैसेज टाइप का यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो आप सेकंड ऑप्शन पे ये कुछ फॉन्ट दे रखे हैं, आप यहाँ पे यहाँ पर से भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, वैसे काफ़ी डिज़ाइन दे रखी हैं। यहाँ पर मैं सिंपल ब्लैक ही लूँगा, और इसको जैसे ही अपने वर्ड पर टच करेंगे तो साइज सेट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वर्ड कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाइट ही कर लेता हूँ। और दोस्तों इस पर जो निशान आ रहा है, जो 3 निशान आ रहा है, ये चौकोर, राउंड और चारों तरफ ये डॉट्स के, ये अलग अलग फीचर्स देते हैं। जैसे कि ये जो फीचर्स है इससे हम कोई भी वर्ड को घुमा सकते हैं, कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसी पर दोबारा टच करेंगे तो ये किसी भी तरह से हम इसको मोड़ सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा साइज करना हो। और ये थर्ड बार टच करेंगे तो ये 4 डॉट आ जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं इसको, जैसे कि हम ये स्टाइल नहीं, हम थोड़ा दूसरा स्टाइल देना चाहेंगे। इसको दोबारा टच करेंगे और यहाँ से नहीं, इसे इस साइड से टच करेंगे, तो इसे दोबारा टच करके ये खींच देंगे तो हमारा वर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। और अब हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि हमने सेकंड ऑप्शन पर थर्ड जो स्टिकर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको वर्ड लिखने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से देखकर इस पर एक बार आप करके देखेंगे तो दोस्तों धीरे धीरे आने लगेगा आपको। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। आप ध्यान से बस देखते जाइए दोस्तों कि मैंने क्या किया है और किस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें और भी दोस्तों कई फीचर्स हैं जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा थंबनेल बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखते जाइए आपके वर्ड किस तरह से लिखना है, उनमें फॉन्ट देना है, उनकी साइज कलर सब चेंज कर सकते हैं। अब ये थंबनेल प्लस चैनल ट्रेलर है जो कि हम अपलोड इस पर करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो के लिए जो थंबनेल बना रहा हूँ इसको कितना भी छोटा बड़ा साइज कर लीजिए, और अब हम इसे ऊपर रखेंगे इसे। तो ये देखिए हमारा ये थंबनेल तैयार हो चुका है। अभी ये मैंने फिलहाल थोड़ा एक सिंपल टाइप का ही बनाया है, आप चाहे तो बहुत ही स्टाइलिश इस एप्लीकेशन से बना सकते हैं। और ये चौथा ऑप्शन है, यहाँ से जैसे टच करेंगे एक्सपोर्ट पर तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं कि ये जो थंबनेल है और वीडियो ट्रेलर है इसे किस तरह से वीडियो के साथ में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम वीडियो ट्रेलर जो है वो अपनी वीडियो के साथ में कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों जब भी आप एडिटिंग करते हैं तो आप कोई भी वीडियो लेते हैं तो आपका जो ट्रेलर आपने पहले से ही वीडियो के रूप में तैयार करके रख रखा है उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, या कोई भी वीडियो लेने के बाद भी आप बाद में भी ले सकते हैं, मगर आपको ये सबसे पहले यानी शुरुआत में ही सेलेक्ट करके लेना है इसको,
जैसे कि हमने ये मीडिया ब्राउजर से यहाँ से अपने ट्रेलर को सिलेक्ट कर लिया है और ये बाद में फिर वीडियो स्टार्ट होगी। और ये जो बीच में एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है जो हो सकता है आपके वीडियो में सुना हो, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप स्ट्रिच करेंगे तो आपको बीच में एक बॉक्स आ जाएगा और इसे जैसे टच करेंगे तो कुछ ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फैट का ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ। जैसे हमारी वीडियो स्टार्ट होगी तो ट्रेलर आएगा पहले और उसके बाद फिर एक हल्का सा ब्लैक फेड आएगा, यानी हल्की स्मूदी वीडियो ब्लैक होगी और फिर हमारी बाद में वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको कोई भी क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी जिस क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है वीडियो को आप पूरा बनाकर ट्रेलर के साथ में जोड़कर तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारी वीडियो ट्रेलर के साथ में जोड़कर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे अपलोड करेंगे और थंबनेल लगाएंगे। दोस्तों आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर पर अपना यूट्यूब ओपन कर लीजिए। इस पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे और काफ़ी सुविधा होगी, इसलिए आप क्रोम ब्राउजर में ही अपना यूट्यूब ओपन कीजिए। और ओपन होने के बाद ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अपलोडिंग का, अप एरो का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे टच कीजिए। टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक बड़ा एरो जो दिख रहा है सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, यहाँ पर जो एरो दिख रहा है इसको टच कीजिए और अब आपको डॉक्यूमेंट पर टच करना है और यहाँ से आपने जो वीडियो रेडी की है, जो एक्सपोर्ट की है, जो तैयार कर ली है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपके किस फोल्डर में आपने जो वीडियो तैयार करके रखी है वो कहाँ पर है। जैसे हमारी जो वीडियो है मैंने मूवी फोल्डर में दोनों को रख लिया था साथ में, तो मैं अपनी मूवी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब हमारी अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब आपके नीचे जो तीन ऑप्शन है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट, इनको कंप्लीट कर लीजिए और आप नीचे देखेंगे कि कस्टम थंबनेल का जो ऑप्शन आ रहा है और इसके पास में जो इमेज शो हो रही हैं, आप चाहें तो इनको भी चूज कर सकते हैं कोई भी इमेज और उसको थंबनेल बना सकते हैं, मगर हम हमारे द्वारा बनाए हुए थंबनेल को अपलोड करना है तो कस्टम थंबनेल पर टच करेंगे। इसको जैसे ही टच करेंगे तो आपका एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसे टच करके आप अपने बनाए हुए थंबनेल को सिलेक्ट करके अपने थंबनेल को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं अपनी पिछली वीडियो को रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ और उसी को अपलोड कर रहा हूँ और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको थंबनेल बनाना है और ट्रेलर आपको जोड़ना है। तो आपको अपलोड करने की विधि जो है मैं आपको पिछली वीडियो को रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ। हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और थंबनेल भी अपलोड हो चुका है। ये देखिए ये आपको यहाँ पर साइड में शो हो रहा है और अब आपकी वीडियो को आप पब्लिश कर सकते हैं। ये साइड में जो बटन पब्लिश का शो हो रहा है इसको जैसे टच करेंगे आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी और अब आप वीडियो मैनेजर यानी जो आपका वीडियो लिस्ट है वहाँ पर देख लीजिए आपकी थंबनेल और वीडियो शो हो रही होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी वीडियो में थंबनेल ऐड कर सकते हैं और ट्रेलर लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद, बाय।